हेलो, आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक गैस होती है जिसे हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन मेटल्स के साथ कंबाइन करके फॉर्म करता है ऑक्साइड। ये एक तरह का केमिकल होता है। मेटल्स प्लस ऑक्सीजन दे फॉर्म अ केमिकल जिसका नाम हम ऑक्साइड कहते हैं। आयरन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वो बनाता है आयरन ऑक्साइड। इट इज़ ब्राउन इन कलर। मैग्नीशियम नाम का मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो वाइट कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड बनाता है जिसका कलर ब्लैक, रेड या डल ग्रीन भी हो सकता है। ये ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे मेटल ऑक्साइड्स, इनका नेचर बेसिक होता है। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि कुछ केमिकल्स एसिडिक होते हैं और कुछ केमिकल बेसिक होते हैं या बेसिस होते हैं। तो ये आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड या मेटल से बनने वाले जितने भी ऑक्साइड्स हैं, इन सब का नेचर बेसिक होता है। इसका मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इन ऑक्साइड्स को पानी में मिक्स कर दें, इफ़ यू मिक्स देम विद वाटर, तो इनका जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। देयरफॉर दे आर ऑल बेसिक इन नेचर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक रेड कलर का आयरन ऑक्साइड है, एक वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड हमारा रेड कलर का भी हो सकता है और ब्लैक कलर का भी हो सकता है। सो वी हैव टू काइंड ऑफ कॉपर ऑक्साइड्स। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑक्साइड्स मेटल के बनते हैं। नाउ जब ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। अब एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक कंपाउंड है आयरन, राइट? इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe। आयरन का जो लैटिन नाम होता है उसे फेरस कहते हैं। तो इसके वजह से इसके पहले दो लेटर Fe इसका सिंबल है, केमिकल सिंबल। तो सॉलिड आयरन, S इज़ फॉर सॉलिड, सॉलिड आयरन का कोई भी पीस जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, गैसियस ऑक्सीजन के साथ, यानी कि गैस के फॉर्म में जब ऑक्सीजन होती है, तो वो एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। ये भी सॉलिड होता है। दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और व्हाट वी कॉमनली नोन एज रस्ट। इसका कलर रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है। अगला जो हमारा ऑक्साइड है, दैट इज़ अ कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ देख सकते हैं, दो कॉपर के एटम्स, यानी दो कॉपर और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये दोनों कंबाइन करके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। देख सकते हैं, एक कॉपर एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया और दूसरे कॉपर ने दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। दिस इज़ कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है Cu। कॉपर को हम Cu की तरह लिखते हैं, प्लस O2, इसने हमें हमारे लिए बनाया CuO। ये हमारी केमिकल इक्वेशन है, आप इसे लिख सकते हैं। सो ये कॉपर ऑक्साइड या तो ब्लैक कलर का होगा, ये रेड कलर का होगा या ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे दो तरह के ऑक्साइड्स पढ़े, आयरन ऑक्साइड एंड वी रेड अबाउट द कॉपर ऑक्साइड। इसके अलावा भी बहुत तरह के ऑक्साइड्स होते हैं जो हमारे मेटल्स के साथ बनते हैं। ये ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो एक और केमिकल बनाते हैं जिनको हम हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पोटेशियम ऑक्साइड है। पोटेशियम का सिंबल होता है K। दिस इज अ सिंबल फॉर पोटेशियम। और इसको जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया तो हमारा ये बन गया पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ये पोटेशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ कंबाइन करता है तो इसने फॉर्म किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से K आया और OH इधर से भी आ गया और एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया। सो दिस फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारा सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन करता है तो वो एक और मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na दो मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएंगे, दो सोडियम यहाँ से आ जाएंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से आएंगे
और दो हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. Na सोडियम का साइंटिफिक नेम है. कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये हाइड्रोक्साइड्स जितने भी होते हैं दे आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं एंड दे आर बेसिक इन नेचर, राइट. तो आप यहाँ देख सकते हैं, इफ़ यू लुक हेयर, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोक्साइड्स प्रेजेंट हैं. यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ मेटल्स एंड दीज आर ऑल हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा विच इज़ वाइट इन कलर. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाइट इन कलर. कॉपर हाइड्रोक्साइड जो ब्लू कलर का है. आयरन का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो ब्राउन इन कलर है. आयरन का हाइड्रोक्साइड कभी कभी रेड इन कलर भी होता है. कोबाल्ट पर्पल इन कलर. निकल लाइट ब्लू इन कलर. मैगनीज कुछ ब्राउनिश कलर का. क्रोमियम ग्रे कलर का. एजी सिल्वर ये ब्राउन कलर का है. जिंक लेड और एल्यूमिनियम ये तीनों हमारे वाइट कलर के हाइड्रोक्साइड हैं. इनको जब पानी में मिक्स किया जाता है तो ये हमारे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. दे कैन कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू. देयरफॉर दे आर कॉल्ड बेसिक्स. तो मेटल ऑक्साइड्स जो ऑक्सीजन के साथ बनते हैं एंड मेटल हाइड्रोक्साइड जो वाटर के साथ बनते हैं, ये दोनों बेसिक्स होते हैं नेचर में. दे आर बेसिक इन नेचर. दे आर बेसिस बिकॉज दे कैन कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू. यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे रस्ट को पानी के साथ मिक्स किया है और यहाँ से हमने रस्ट लिया था, जंग ली थी, और हमने इसको पानी के साथ मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया और फिर हमने इसमें रेड लिटमस डाला जिसका कलर ब्लू हो गया. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. हैव अ नाइस डे.